हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज से हम क्लास 8 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB बोर्ड में क्लास 8 के विज्ञान के सभी चैप्टर्स के कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम फ्रेंड्स सभी प्रश्नों के, सभी चैप्टर्स के सभी प्रश्नों के हल को कंप्लीट तौर पर देखेंगे। जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स अध्याय 1, जो है दहन और ज्वाला, एक्चुअल कहें तो चीज़ों का जलना। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के सभी कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो आपका स्वागत है फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। ये मैं हूँ आपका दोस्त आरिश अमीन। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर, दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना, विज्ञान, साइंस का। तो साइंस का फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम, कि दहन और ज्वाला किसको कहते हैं। दो चीज़, दहन और एक ज्वाला। दहन को अगर इंग्लिश में कहें तो फायर कह सकते हैं, आप कम्बशन भी कह सकते हैं इसको, फायर या फिर कम्बशन। और अगर ज्वाला को कहें इंग्लिश में तो इसको कहते हैं फ्लेम। तो क्या है दहन और क्या है ज्वाला? तो दहन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है चीज़ों का जलना, मतलब कोई भी चीज़ जल रही है, जलना इट मीन्स दहन हो रहा है। तो जलना, क्या जलना? अगर आप पत्थर जलाएंगे तो कभी वो जलेगा? पत्थर, स्टोन, पत्थर कभी नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये जलने वाला पदार्थ है ही नहीं, तो जलेगा कैसे? अगर हम मिट्टी को जलाएं, सॉइल को जलाएं, तो जलेगा? तो नहीं जलेगा, कभी नहीं जलेगा। मिट्टी भी नहीं जलता है, पत्थर भी नहीं जलेगा, मिट्टी भी नहीं जलेगा, तो जलेगा क्या? जो भी चीज़ जलने वाला है वो जलेगा। जैसे लकड़ी जलेगा, कपड़ा जलेगा, कागज़ जलेगा, तो ये सब चीज़ जलता है। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि हर चीज़ नहीं जलती है, जो चीज़ जलने वाला होता है सिर्फ और सिर्फ वही जलता है। तो दहन कब होएगा? दहन तीन चीज़ों के मिलने से होता है। सबसे पहले तो एक वो क्या होना चाहिए? जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ। यहाँ पे हम, मैं सिर्फ बोलूँगा, लिखूँगा नहीं, कंप्लीट आप समझ सकते हैं। तो आप कॉपी में अगर नोट बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा बात और क्या ज़रूरी है? तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता है कि जलने के लिए वायु की बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है। बिना ऑक्सीजन के, बिना वायु के, वायु यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन से है, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ नहीं जल सकता है। तो ये दो चीज़ मैंने आपसे कहा, तीसरी चीज़ भी है। तो तीसरा चीज़ वो क्या है? इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलनशील ताप, ज्वलनशील ताप। ये ताप क्या है फ्रेंड्स? हर वो चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ जो है उसका एक मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिस तापमान पर वो जलना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझिए, लकड़ी है रखा हुआ, तो क्या ये लकड़ी जलने लगेगा खुद से? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? तब तक किसको हम एक तापमान, टेम्परेचर तक पहुँचा ना दे। अगर ये तापमान तक हमने उस लकड़ी को पहुँचा दिया तो उसके बाद ये जलना शुरू कर देता है। अगर आप देखें, एक लकड़ी है एक तरफ माचिस है, माचिस आप जानते होंगे, माचिस है, अब दोनों को जलाना है, तो दोनों के इग्निशन टेम्परेचर में अंतर होगा। दोनों जलने वाला पदार्थ है, वायु की भी मौजूदगी, लेकिन जलेगा नहीं। कैसे नहीं जलेगा? क्योंकि दोनों का इग्निशन टेम्परेचर टच नहीं होगा, ज्वलनशील ताप। अब वो ज्वलनशील ताप क्या है? अगर हम देखें लकड़ी में तो ये ज़्यादा है, जबकि माचिस में वो क्या होता है? कम होता है। एक बार रगड़ने से ही जितना हीट पैदा होता है उसमें, माचिस में लगा फास्फोरस जलने लगता है, लेकिन लकड़ी को रगड़ने से वो जलेगा नहीं, उसको बहुत देर तक रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर उसमें से कुछ चिंगारी पैदा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दहन समझ में आ गया होगा कि दहन क्या है। किसी भी चीज़ का जलना, डैट मीन्स दहन। और दहन के लिए तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे वो जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, दूसरा वायु होना चाहिए, मतलब एयर या ऑक्सीजन कह सकते हैं, और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर, मतलब ज्वलनशील ताप। कम से कम उस मिनिमम टेम्परेचर तक जाएगा तभी कोई चीज़ जलेगा। अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरा मोटा मोटी पे आपको इसी तौर पे आपको समझ में आएगा। दूसरी बात करते हैं ज्वाला। ज्वाला क्या है? तो आप देखते होंगे फ्रेंड, जो चीज़ जलता है उसमें से क्या निकलता है? लौ निकलता है, फ्लेम निकलता है, लौ, इस तरह से लौ। तो वो जो लौ होता है, अगर आप कैंडल देखें तो आप इस तरह के कैंडल बनाएं तो इस तरह से ये जलेगा, तो ये यहाँ पे फ्लेम्स निकल रहा है, लौ निकल रहा है। या फिर आप गैस स्टोव देखें, गैस स्टोव में भी फ्लेम्स निकलता है इस तरह से जलता हुआ। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि दोनों में समझ में आएगा, क्योंकि अब ज्वाला में और दहन में क्या डिफरेंस है? दहन होगा तो ज्वाला निकलेगा, लेकिन ज्वाला किसी किसी चीज़ में नहीं निकलता है। फॉर एग्जांपल हम कोयला जलाते हैं तो कोयला में बहुत ज़्यादा ज्वाला नहीं निकलता, वो अंदर अंदर जलते रहता है, लेकिन उसमें ज्वाला नहीं होता है। अगर उसमें फ्लेम, जबकि हम लकड़ी जलाएंगे तो उसमें फ्लेम निकलता है, ज्वाला निकलता है, मोमबत्ती जलाते तो फ्लेम निकलता है। तो ये आपका मोटा मोटी इंट्रोडक्शन हो गया दहन और ज्वाला के बारे में। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। पहला सवाल देखेंगे, देखिए ये रहा हमारा अभ्यास प्रश्न है। तो पहला सवाल, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? हमारा सवाल है, जब कहीं आग लग जाता है तो उसको हम पानी डालकर बुझाते हैं, अब पानी डालने से आग बुझ जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? तो आमतौर पर लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। हमने बताया फ्रेंड्स तीन चीज़ होना जरूरी है। एक, सबसे पहले हमने बोला, क्या बताया मैंने आपको, कि जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, ज्वलनशील ताप होना चाहिए और वायु होना चाहिए।
तो जल जो क्या करता है, ज्वलनशील पदार्थ को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। ठंडा करने से क्या होता है, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर मतलब उस मिनिमम टेम्परेचर तक पहुंचना था उसको, वो पहुंचना बंद हो जाता है। ऐसा करने से आग फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह वायु बाहर की वायु आपूर्ति क्या करती है, बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। दो काम होता है, एक तो वो ठंडा भी हो जाता है, दूसरा बात क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई आग लग रहा है, ये आग लग रहा है ठीक है, और हमने पानी डाल दिया, पानी डालना तो यहाँ पे सब जगह पे क्या हो गया, धीरे धीरे छोटा 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 जलवाष्प बन गया। जलवाष्प बन गया तो यहाँ से जो वायु इसके अंदर इंटर कर रहा था वो इंटर करना बंद कर देता है और यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति हो जाती है, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि पहला सवाल समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो, रुका हुआ है, तो कांच का प्लेट ले जाने पर वहाँ पर काला रंग का वलय, वलय मतलब होता है रिंग, काला रंग का रिंग क्यों बन जाता है? तो मोम एक ईंधन है यानी ऊर्जा का एक रूप है जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनी होती है। हाइड्रोजन सोनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है या कार्बन को भी जलाता है और दोनों ज्वाला के साथ जलते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि दोनों जल रहे हैं। लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है जिसके कारण कांच के प्लेट में ले जाने पर काला वलय बन जाता है। मतलब वो जब ले जाएगा फ्रेंड्स तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन मौजूद होता है, कार्बन के कारण वो कैसा बन जाता है, काला रंग का वलय बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? क्यों कंबल लपेटते हैं? तो कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल लपेट दिया जाता है क्योंकि साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसा मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स शुरू से ही, ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलन ताप तक पहुँचने का उपाय और हवा की ज़रूरत। वायु दहन के लिए आवश्यक होता है क्योंकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन दहनशील नहीं होते परंतु दहन के पोषक होते हैं यानी जलने में मदद करते हैं। कंबल में लपेट देने से शरीर का हवा से संपर्क क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, परिणाम स्वरूप बिना हवा के आग बुझ जाती। मतलब हम हवा को काट देते हैं, काम ख़त्म हो जाता है, फिर आग अपने आप बुझ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, कभी कभी जंगलों में अपने आप लग जाती आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता होगा ये सवाल है। तो कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी करने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है, जिसे दवानल कहते हैं। गर्मी या पेड़ और पेड़ के बीच घर्षण से उसका तापमान बढ़ जाता है। गर्मी या पेड़ और पेड़ के बीच घर्षण हो रहा है, मतलब पत्तियाँ टकरा रही हैं, पेड़ टकरा रहा है एक दूसरे से, टहनी टकरा रहा है। टकराने से क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण से तापमान बढ़ता है और धीरे धीरे तापमान जब बढ़ते इग्निशन टेम्परेचर उसके ज्वलनशील ताप तक पहुंच जाता है तो वह पदार्थ जलना शुरू कर देता है। वो एक्चुअली इतना गर्म का मौसम ही रहता है और इसमें और टेम्परेचर घर्षण से बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, आग पकड़ने लगता है। इस प्रकार जंगल में स्वतः आग लग जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। गोलू ने आधा पेट्रोल तथा आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया, इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा क्यों हुआ होगा, बताइए ऐसा कैसे हुआ होगा। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप पानी के ज्वलन ताप से कम होता है जिसके कारण पेट्रोल पहले आग पकड़ लेता है और पानी से भींगी तौलिया ज्वलनशील ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता जिसके कारण वह जलने से बच जाता है। मान लो फ्रेंड्स कि एक कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसको हमने पानी में डुबो दिया और साथ ही साथ इसको पेट्रोल में भी डाल दिया। अब हमने क्या किया, इसको आग लगाया तो इसके ऊपर का जो ये पेट्रोल लगा हुआ था वो जल गया और ये कपड़ा नहीं जला। क्यों? क्योंकि पेट्रोल जो ज्वलनशील ताप है ये कम तापमान पे भी जल जाएगा, लेकिन कपड़े को जलने के लिए पहले उसको सूखना पड़ेगा, सूखने के बाद वो जलेगा। तो जब तक ये जल के ख़त्म हो जाएगा तब तक ये सूखेगा, उसके बाद जलेगा। इस वजह से क्या होता है, पहले पेट्रोल जल जाता है और ये कपड़ा बच जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन खुला है, और अगर आप हमको कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कमेंट सेक्शन खुला, बेझिझक कुछ भी बात बोल सकते हैं। माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ जाता है, ऐसा क्यों? चूंकि लाल फॉस्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता बल्कि रगड़ने से ही जलता है। अपने घरों में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तीलियां पर लगा रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। आपसे एक नंबर का सवाल भी पूछ सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में, जो माचिस में तीली में जो रसायन लगा रहता है उसका नाम क्या है, तो पोटेशियम क्लोरेट नाम है। डिब्बी पर लाल फॉस्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की तीलियां डिब्बी पर रगड़ने से आसानी से जल उठती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ज्वाला के 3 क्षेत्र दिखाइए। मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। अगर आप देखेंगे मोमबत्ती तो मैं इसको अच्छे से फिगर बनाता हूँ।
पहले कैंडल बना देता हूँ। तो अगर आप देखें कि ये कैंडल है तो ये यहाँ पे जला हुआ पदार्थ है, ज्वाला है। तो ये ज्वाला है, तो इसमें तीन तरह से बनता है। इस तरह से आप देखेंगे तो तीन फ्लेम बनता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक आंतरिक भाग होता है, तीन तरह से होता है। तो ये क्या है, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। आपकी किताब में दिया हुआ है, आप आराम से उसका इजिली फिगर देख सकते हैं। बाहरी भाग नीला तथा अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध होते हैं या सबसे गर्म होता है। मध्य भाग पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र होते हैं, या भाग पूर्ण दहन नहीं होता क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन भी कम मिलता है। आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है या काला रंग का होता है क्योंकि बर्तन के कुछ कण बच जाते कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं, या सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तीनों भाग हमने देख लिया फ्लेम का। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। घर में आग से होने वाली असावधानियों के बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों के साथ कीजिए। घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए उपाय, अति ज्वलनशील पदार्थ को सुरक्षित या आग से दूर रखना, जहां तहां आग को ले जाने से बचना, सिगरेट, बीड़ी आदि को सुरक्षित जगह पर सेवन के लिए प्रेरित करना, गर्मी के दिनों में बहुत सुबह और तथा रात में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के लिए प्रेरित करना, आग को तेज़ हवाओं से दूर रखना, विस्फोटक पदार्थों को ठीक ढंग से चलाना, पार्टी विवाह आदि के अवसर पर विशेष सावधानी बरतना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।